नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से फीटर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 18वां भाग लेकर के आया हूँ। ये पार्ट 18 है और इसमें हमने 95 क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो आप जो है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। हाँ, एक बात है कि बहुत सारा कमेंट आया है कि सर आपका वीडियो में एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत रहता है, ऑप्शन गलत होता है। तो एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से हम सारे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और हमने जितना भी क्वेश्चन को आपको बताया है या वीडियो बनाता हूँ, वो किसी न किसी बुक से लिया गया है। तो हो सकता है कि उसमें एक दो क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं पहले नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का काफ़ी अभाव होता है। ठीक है, इसके लिए आप जो है कि जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं उसको पहले पढ़ करके और तब आपको बताता। ये क्वेश्चन मैं सेट नहीं किया हूँ, ये बुक से है। अगर मेरा सेट किया हुआ होता, अगर उसमें कुछ गलत होता तो इसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आता, लेकिन ये क्वेश्चन बुक का है तो थोड़ा सा जो है कि आप मैनेज कीजिए। सामने एग्ज़ाम का भी डेट निकल चुका है, इसलिए भी टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन को पढ़ूँ उसके बाद ये वीडियो बनाओ, नहीं बन पाएगा। और इसलिए जो है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि लेथ एक ऐसी मशीन है जिस पर किसी जॉब को स्पिंडल अक्ष पर घुमाया जाता है। कटिंग टूल रेखीय गति करते हुए उस अक्ष के समांतर लंब रूप या किसी कोण पर कटिंग प्रक्रिया करते हैं। इस कटिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको जो है कि हम टर्निंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीड लेथ के स्पिंडल की स्पीड कितने चक्कर प्रति मिनट तक होती है? तो इसका जो है कि 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्पीड लेथ का प्रयोग किया जाता है। तो स्पीड लेथ का प्रयोग मुलायम धातुओं को खरादने के लिए और लकड़ी को खरादने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चार नंबर है कि सेमी ऑटोमेटिक तथा ऑटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, असमान सतहों के जॉब को सेंटर में निम्न में से किस चक द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है? तो इसमें जो है कि थ्री जॉ चक को नहीं पकड़ा जा सकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि गियर बॉक्स यंत्रावली का उपयोग किया जाता है, और इसमें किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो लीड स्क्रू की गति को स्थानांतरित करने के लिए और फीड रॉड की गति को स्थानांतरित करने के लिए, ये दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। सात नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेंटर का पॉइंट आगे से नुकीला नहीं होता है? तो पाइप सेंटर का पॉइंट जो है कि आगे से नुकीला नहीं होता है। आठ नंबर है, जब कार्यखंड की लंबाई उनके व्यास की 10 गुना या अधिक हो तब डैश डैश दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेस्ट का प्रयोग आवश्यक अवश्य करना चाहिए, रेस्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नौ नंबर क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा डैश प्रक्रिया की जा सकती है, तो टर्निंग प्रक्रिया की जा सकती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारी कार्यखंडों के लिए डैश कोण वाले सेंटर प्रयोग में लाने चाहिए, तो इसमें जो है कि 90 डिग्री के कोण वाले सेंटर प्रयोग में लाना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हेड स्टॉक निम्न कार्य नहीं करता है, वो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यह ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है। ठीक है, हेड स्टॉक जो है कि ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है। कि टेल स्टॉक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये जो है कि यह कार्यखंड को धारण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैरियज निम्न कार्य नहीं करता है, कैरियज निम्न कार्य नहीं करता है। ठीक है,
तो इसका जो हो जाएगा आपको, इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती है, इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती है, मतलब इसका हो गया कि कैरियज के द्वारा जो है कि विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्रॉस स्लाइड निम्न कार्य नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम आता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लैग निम्न कार्य नहीं करती है, लैग निम्न कार्य नहीं करती है, तो लैग जो है कि मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है, ठीक है, लैग मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है। फोर जॉ चक के ऊपर बने वृत्त निम्न उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो इसमें जो है कि चारों जॉ को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि असमान आकार के जॉब को निम्न चक पर पकड़ते हैं, असमान आकार के जॉब को निम्न चक पर पकड़ते हैं, तो ये जो है कि फोर जॉ चक पर पकड़ते हैं। 18 नंबर है, लेथ गाइड वेज के लंबे जीवन काल के लिए उन्हें, अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है उसमें से क्या किया जाता है, तो उसमें जो है कि फ्लेम हार्डनिंग द्वारा केस हार्ड किया जाता है, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा केस हार्ड किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ में चेंज गियर्स निम्न प्रकार बदलने चाहिए, रुकी अवस्था में बदलनी चाहिए। 20 नंबर है, सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सरफेस गेज जो है कि जॉब को ट्रू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर है कि लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल निम्न कार्य के लिए प्रयोग होता है, तो ये जो है कि जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो तब उसका प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर है कि स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य निम्न है, तो स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य जो है कि मिलने वाले पार्ट्स ठीक से शोल्डर पर मिल सके, इसी के उद्देश्य के लिए स्क्वायर शोल्डर करते हैं। 23 नंबर देखिए, फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य निम्न होता है, फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य निम्न होता है, तो इसका जो है कि शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना आंसर होगा। 24 नंबर है, सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई डैश डैश की जाती है, तो यह हुआ क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके की जाती है। 25 नंबर है, निम्न अवयवों का कटिंग स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न अवयवों का कटिंग स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो कार्यखंड का व्यास का स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। 26 नंबर है, फीड का निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ता है, फीड का निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो वांछित सतह परिष्करण पर प्रभाव पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टूल द्वारा कार्यखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी डैश कहलाती है, तो ये फीड कहलाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कटिंग फ्लूड के दो मुख्य उद्देश्य हैं, तो इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं ठंडा और स्नेहन करना। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्न कटिंग फ्लूड का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें से जो है इसका आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, साफ पानी, घुलनशील तेल तथा पानी, और तेल तथा इमल्सन, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। 30 नंबर देखिए, BIS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है BIS का फुल फॉर्म। 31 नंबर है कि गैप बैड लेथ के मेन बैड के निम्न भाग में फिट रहता है, इसको जो है कि
कि हेड स्टॉक वाले सिरे पर यह फिट रहता है। 32 नंबर है, जो सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है वह डैश कहलाता है। जो सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है वह डैश कहलाता है, तो वह जो लीव सेंटर कहलाता है, ठीक है, लीव सेंटर कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल निम्न कारणों से टूट सकता है, तो ये जो है कि बहुत अधिक फीड देने पर टूट सकता है। निम्न में से कौन सा ग्रुप बनाने का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रुप बनाने का उद्देश्य नहीं है, तो ये है मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना। 35 नंबर है, नर्लिंग ऑपरेशन निम्न प्रकार किया जाता है, नर्लिंग ऑपरेशन निम्न प्रकार किया जाता है, तो ये जो है कि टर्निंग से 1/3 गुनी स्पीड पर। 36 नंबर है, निम्न हेड स्टॉक के पार्ट्स हैं, निम्न हेड स्टॉक के पार्ट्स हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म। 37 नंबर है, नर्लिंग करने में डैश प्रक्रिया होती है, तो फॉर्मिंग प्रक्रिया होती है। 38 नंबर है, टम्बलर गियर यूनिट में डैश गियर होते हैं, तो ये जो है कि दो गियर होते हैं। 39 नंबर है, टम्बलर गियर निम्न कार्य के लिए लगाए जाते हैं, तो ये जो है कि फीड की दिशा परिवर्तित करने के लिए लगाए जाते हैं। 40 नंबर है, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन डैश स्पीड पर करना चाहिए, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन डैश फीड स्पीड पर करना चाहिए, तो ये जो है कम स्पिंडल पर करना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैच प्लेट में साधारणतः स्लॉट निम्न प्रकार होते हैं, कैच प्लेट में साधारणतः स्लॉट निम्न प्रकार होते हैं, तो मात्र एक यू स्लॉट होते हैं। 42 नंबर है, पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को निम्न में से किस स्थिति में सेट करते हैं, पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को निम्न में से किस स्थिति में सेट करते हैं, तो ये जो है कि कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में करते हैं। 43 है, असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए उसे डैश बांधना चाहिए, तो उसे जो है कि फेस प्लेट पर क्लेम करके बांधना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्राइविंग प्लेट निम्न कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर होगा कि दो केंद्रकों के मध्य लगी शाफ्ट को डॉग द्वारा घुमाने के लिए, इसका आंसर डी होगा। 45 नंबर है, चक अथवा फेस प्लेटों को स्पिंडल पर निम्न के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो ये जो है कि तीन में से किसी एक प्रकार की स्पिंडल नोच का प्रयोग करके चढ़ाया जाता है। 46 नंबर है, जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद चक की को क्या हो जाता है, यहाँ से हम चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो है तुरंत चक से निकाल लेते हैं। 47 नंबर है, निम्न में से क्या लेथ के स्पेसिफिकेशन में नहीं होता है, तो ये जो है कि स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट नहीं होता है। 48 नंबर है, स्वतंत्र फोर जॉ चक के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। 49 नंबर है, चक स्पिंडल पर बांधते समय निम्न सावधानी ली जाती है, तो इसमें जो है कि गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। 50 नंबर है, स्टेडी रेस्ट के पैड निम्न धातु के बनाए जाते हैं, तो ये जो है कि कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉलोअर स्टेडी में डैश पैड होते हैं, तो फॉलोअर स्टडी में डैश पैड होते हैं, तो इसमें जो है कि दो पैड होते हैं। 52 नंबर है, असमान कार्य को प्लेट पर बांध
बांधने पर निम्न उद्देश्य के लिए बैलेंसिंग की जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए। 53 है, पाइप नुमा खोखले जॉब को सपोर्ट देने के लिए निम्न केंद्रक प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है कि पाइप सेंटर का प्रयोग करते हैं। 54 नंबर है, फॉलोअर स्टडी को निम्न पर पकड़ा जाता है। तो ये जो है कैरियज पर पकड़ा जाता है। 55 नंबर है कि जिन कार्यखंडों की बाहरी सतह असमान हो उसे सपोर्ट देने के लिए निम्न प्रयोग करते हैं। तो ये जो है कि कैट हेड के साथ स्टडी रेस्ट प्रयोग करते हैं। इसका आंसर डी होगा। 56 है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो ये जो है कि सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। 57 है कि फ्लैंज एल्बो के फ्लैंज फेस करने के लिए आप निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये जो है कि आप फेस प्लेट पर एंगल प्लेट बांधकर उस पर एल्बो को एक फ्लैंज से पकड़कर फेस कर सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। 58 नंबर देखिए, बोरिंग टूल में सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल निम्न उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो ये जो है कि टूल की हील को जॉब की अंदरूनी सतह पर रगड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। 59 नंबर है, किसी होल में बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल निम्न प्रकार चुना जाता है। तो ये जो है कि छोटे से छोटा परंतु उपयुक्त लंबाई का चुना जाता है। 60 नंबर है, बोरिंग करने के लिए सबसे अच्छी विधि निम्न है। बोरिंग करने के लिए सबसे अच्छी विधि निम्न है। तो यह है कि बीट लगी बोरिंग बार को कम से कम ओवरहैंग के साथ फोर जॉ चक्र में पकड़ा गया है। यही आंसर होगा इसका। 61 नंबर क्वेश्चन है, रीमर में साधारणतः सम संख्या में कटिंग एजेज होती है ताकि व्यास आसानी से मापा जा सके। 62 नंबर है, बोरिंग टूल की कटिंग एज को होल में इस प्रकार सेट करते हैं कि वह जो है कि ठीक सेंटर में रहे। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रीमर की कटिंग एजों के बीच में अंतर असमान होता है, इसका कारण है कि उच्च कोटि की सतह प्राप्त करना। 64 है, मशीन रीमिंग में स्ट्रेट रीमर की फीड निम्न रखी जाती है। तो इसमें जो है कि ड्रिलिंग की फीड से दोगुनी रखी जाती है। 65 नंबर है कि बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें जो है कि कैरियेज को दूर ले जाते हैं। सी आंसर होगा इसका। 66 है, कटिंग स्पीड को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। कटिंग स्पीड को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसको जो है कि कार्यखंड की परिधि पर स्थित बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। 67 नंबर है, रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड निम्न के समान होती है। तो ये जो है कि रफ टर्निंग के समान होती है। 68 नंबर है, टेपर को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो टेपर को जो है कि इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में प्रदर्शित किया जाता है। 69 है, मोस टेपर का आधा इंक्लूडेड कोण अब कितना होता है, 1 डिग्री 29 फीट, फीट का सिंबल दिया हुआ है। 70 है, मोस टेपर का टेपर अनुपात निम्न है। तो मोस टेपर का टेपर अनुपात आपका है 1:10, 1:10। 71 है, मोस स्टैंडर्ड टेपर निम्न प्रकारों में होता है। तो ये जो है कि आपको 8 प्रकार में होता है।
बेहतर है यदि कंपाउंड स्लाइड के बेस को लेथ की सेंटर लाइन में 60 डिग्री पर रखा गया है तो क्रॉस स्लाइड की जीरो लाइन कितने डिग्री पर होगी? तो ये जो है कि आपको 30 डिग्री पर होगी। 73 देख लीजिए, किसी कार्यखंड में 70 डिग्री पर टेपर कोण है, यदि यह कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर बनाना है तो उसके आधार को कितने डिग्री पर सेट किया जाएगा? तो ये जो है कि आपको 35 डिग्री पर सेट किया जाएगा। चौहत्तर है, लेथ मशीन पर लगे कार्यखंड का टेपर निम्न के द्वारा चेक किया जा सकता है? तो ये जो है कि टेपर प्लग के गेज अथवा टेपर रिंग गेज के द्वारा चेक किया जा सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेपर करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। ऑफसेट की माप करने के लिए निम्न उपकरणों को प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका जो है कि टूल होल्डर तथा डायल इंडिकेटर को लाया जा सकता है। 76 है, फॉर्म टूल द्वारा टेपर करना निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त रहता है। तो इसमें जो है कि जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो, डी आंसर होगा। 77 है कि टेपर अनुपात निकालने के लिए उपयुक्त फार्मूला निम्न है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपको के बराबर डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा आई। 78 है, टेपर करने के लिए निम्न मुख्य बीमाएं दी जाती है। टेपर करने के लिए मुख्य निम्न बीमाएं दी जाती है, तो इसका आंसर होगा सी, दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई। 79 है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है, इसका आंसर बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा आधा टेपर कोण है और आई जो है कार्यखंड में टेपर की लंबाई है, सॉरी आई नहीं है, स्मॉल एल है, कार्यखंड में टेपर की लंबाई है तथा कैपिटल एल कार्यखंड की समस्त लंबाई है, तो ऑफसेट बराबर होगा। तो ऑफसेट बराबर होगा टैन थीटा गुने कैपिटल एल। 81 है, किसी कार्यखंड की 75 मिलीमीटर लंबाई में 1:10 का टेपर दिया गया है। यदि कार्यखंड की कुल लंबाई 100 मिलीमीटर है तो टेल स्टॉक को निम्न ऑफसेट दिया जाएगा। अब इसको जो है कि फार्मूला पे मान भर के आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वैसे हम मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपको 5 मिलीमीटर। 82 है, जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाता है तो बड़ा व्यास हेड स्टॉक की ओर बनेगा। 83 है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान मिलीमीटर में होते हैं। 84 है, अधिक तथा छोटी लंबाई की टेपर थ्रेस निम्न विधि से काटी जा सकती है। तो ये जो है कि आपको टेल स्टॉक को ऑफसेट करके काटी जा 85 है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके निम्न कार्य किए जा सकते हैं। तो ये जो है कि बाहरी टेपर टर्निंग, आंसर ए होगा। 86 है, असमान लंबाई के कार्यखंडों के लिए एक फिक्स्ड ऑफसेट रखने पर बनने वाला टेपर कोण असमान होगा। 87 है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक निम्न कोण का टेपर बनाया जा सकता है। तो ये जो है कि आपको 20 डिग्री का टेपर बनाया जा सकता है। 88 है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करने के लिए सेटिंग कोण निम्न फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो ये जो है कि टेन टेन फाई इजक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू स्मॉल एल है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। 89 है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट निम्न के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो है कि बहुत अधिक टेपर कोण के लिए नहीं होता है। 90 है, निम्न में से कौन टेपर टर्निंग अटैचमेंट का पार्ट है?
तो ये जो है कि स्लाइडिंग ब्लॉक है। 91 नंबर है कि मैंड्रिल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। मैंड्रिल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ये जो है कि पहले से फिनिश्ड होल के साथ संकेंद्रीय टर्निंग करने को। 92 है, मैंड्रिल प्रयोग किए जाते हैं जब लाइट कट लगाने हो, ठीक है, जब लाइट कट लगाने होते हैं तो मैंड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। 93 देखते हैं, निम्न में से किस प्रक्रिया में आप मैंड्रिल का उपयोग संतुष्ट करते हैं, संस्तुत करते हैं, तो यह हो जाएगा जब जॉब खोलना हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो। 94 क्वेश्चन देखिए, जब कभी टर्निंग करते समय चैटरिंग आती है, इसका निम्न कारण नहीं है, इसका निम्न कारण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। बोरिंग करते समय अधिकतर चैटरिंग आती है, इसका निम्न कारण है, इसका निम्न कारण है फीड अधिक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसमें भी अगर एक दो एरर आता है तो आप हमको ज़रूर बताइए, ठीक है, और मैं उसको सही, जितने भी एरर आया है मतलब गलत ऑप्शन या गलत आंसर आया है, उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें सही आंसर उसका बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सो थैंक यू।